नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने इसकी पुष्टि की है। बांग्लादेश में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अब उग्र रूप धारण कर चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया और वो भारत पहुंच गई हैं। उनका हेलीकॉप्टर त्रिपुरा में उतरा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हालात बेकाबू हैं। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाल की अपील की है। कहा कि हम हालात पर काबू ले आएंगे, भरोसा रखें। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए भारत में बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बीएसएफ डीजी भी कोलकाता पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में बगावत के बाद भारत में अलर्ट है। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने भी चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उस जमान का कहना है कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से गोलीबारी ना करने को कहा है। बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने भीड़ से शांति की अपील की है। आर्मी चीफ ने कहा कि आपकी मांगे हम पूरी करेंगे, तोड़फोड़ से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे। मारपीट, अराजकता, संघर्ष से दूर रहिए। हमने आज सभी पार्टी नेताओं से बात की है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शेख हसीना मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि वो इस मसले पर कुछ नहीं बोलेंगी जब तक भारत सरकार द्वारा इस मसले पर कोई पुष्टि नहीं कर दी जाती। ममता ने मुख्य सचिव और डीजी राजीव कुमार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, स्थिति बहुत गंभीर है, मैं भारत सरकार की आवश्यकता अनुसार और अनुरोध के अनुसार मदद करूंगी। वही जानकारी मिली है कि प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। पीएम शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ देश छोड़ दिया और उनके हेलीकॉप्टर ने भारत के त्रिपुरा में लैंडिंग की। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने कहा कि वो देश में अंतरिम सरकार बनाएंगे। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।